हाय एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चा पार्टी, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 16 का बी। बुक फॉलो कर रहे हैं आरएस अग्रवाल, टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन। उम्मीद कर रहे हैं कि तैयारी आप लोग का अच्छे से हो रहा होगा एग्जाम के लिए। देखो, अगर आपके सपने में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ना, तो फिर इसका मतलब है कि आप एग्जाम के लिए तैयार नहीं है। अगर आपके सपने में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है। क्वेश्चन के अलावा दूसरा चीज आ रहा है, वो चीज आपका टेम्पोरी है, माइंड इसका मतलब है डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। उस चीज को सही कीजिए और पढ़ाई की तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिए, समझ गए ना, तब जाकर के तैयारी अच्छा हो जाएगा। ध्यान से देखो, क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। 0 से पाई बाई 2 रूट अंडर टेन एक्स प्लस रूट अंडर कॉट है, यहाँ पर कॉस नहीं है, क्या है, कॉट एक्स है। देखो इसको कैसे बनाएंगे, 0 से पाई बाई 2 रहने दो, यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर टेन एक्स को अपॉन रूट अंडर कॉस एक्स लिख सकते हैं। दोनों को रूट को अलग अलग कर दिया, लिख दिए इसे, ठीक है ना, प्लस रूट कॉट है तो हम इसको कॉस एक्स और अपॉन कितना रूट अंडर साइन एक्स लिख सकते हैं। ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाइए, यहाँ डी एक्स दीजिए। अब यहाँ 0 से पाई बाई 2 सही है, एलसीएम कितना हो जाएगा, रूट अंडर कॉस एक्स एंड रूट अंडर कितना साइन एक्स एलसीएम। दिस वन से धन कट गया, बच गया ये, इधर से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स। क्यों, क्योंकि सर इसका भी रूट है, इसका भी रूट है, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम थिंग और सेम चीज होता है, तो रूट हट जाता है, इससे इससे कट गया, बच जाइए ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इधर, 0 से लेकर के पाई बाई 2, यहाँ ऊपर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ देखो दोनों रूट में है, इनटू में है, तो हम एक ही साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रूट में साइन एक्स को पहले कॉस एक्स को बाद में लिख दिए, ठीक है। एक स्टेप 0 से लेकर के पाई बाई 2, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन, देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसमें अगर 2 लगा देंगे तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 एक्स का फॉर्मूला होता है, तो आप यहाँ पर क्या कर दो, साइन 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो रूट के अंदर में, ठीक है। यहाँ तो बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2, देखो पट्टा को पलट देंगे तो रूट 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा रूट 2, यहाँ है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे में है रूट अंडर साइन एक्स साइन 2 कॉस एक्स, यहाँ 2 भी है या डी एक्स, रूट 2 को बाहर कर दो, सॉरी रूट 2 को नहीं लिखे बाहर, यहाँ रूट 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सही है, और नीचे में कितना है रूट अंडर, यहाँ देखो नीचे है यहाँ रूट अंडर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, देखो नीचे में कौन सा ऐसा टर्म लेंगे बनाएंगे इसको कि ये आ जाएगा ऊपर वाला, तो साइन एक्स है और इधर कितना है कॉस एक्स है, तो यहाँ पर देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अगर लेते हैं, साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते तो क्या होता है, साइन का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया। इसका मतलब कि नीचे में सर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनाना पड़ेगा, यहाँ क्या है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। अब एक चीज देखो यहाँ पर, अगर 1 इसको हम 1 माइनस इसको 1 माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं, किसको, इस वाले टर्म को, तो क्या आएगा, ध्यान से सुनो, 1 इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, यहाँ 1 ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस इधर से कितना 2 साइन एक्स इन टू कॉस एक्स, ब्रैकेट का होगा तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ये कट गया तो यहाँ क्या बचा 2 साइन एक्स इन टू कॉस एक्स, इसका मतलब 2 साइन एक्स इन टू कॉस एक्स को हम ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आ जाओ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये रहा dx। अब इसको मान लो, तो लेट y बराबर हमने माना यहाँ से sin x और माइनस cos x, डिफरेंशिएट dy बट्टा dx, sin का कितना हो जाएगा cos, cos का माइनस sin, तो माइनस माइनस प्लस, तो dy बराबर इधर हो जाएगा cos x और प्लस कितना इधर से sin x sin 2 dx, ठीक है ना। चलो अब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे किसका, x का, ये लिमिट है तो y निकलेगा, तो यहाँ देखो when x बराबर कितना 0, तो देन y बराबर कितना, देखो x के जगह 0 पुट करोगे तो ये रहा साइन 0
अब माइनस इधर से कॉस जीरो, तो साइन जीरो कितना होता है जीरो, कॉस जीरो वन, तो वाई का वैल्यू कितना निकला माइनस वन, किस पर जीरो पर। फिर चलो वेन एक्स इज कॉस टू पाई बाई टू, एक्स इज कॉस टू कितना पाई बाई टू, तो देन वाई बराबर कितना साइन पाई बाई टू माइनस कॉस पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू वन, कॉस पाई बाई टू जीरो, तो वाई का वैल्यू कितना निकला यहाँ से वन, एक वन, एक क्या निकला माइनस वन। अब आ जाओ इधर देखो, इंटीग्रेशन है आपके पास यहाँ पर रूट टू, तो सही है अपनी जगह एकदम रहने दो, जहाँ जीरो था तो जीरो पे क्या रखेंगे माइनस वन, अब पाई बाई टू के जगह पर क्या पुट करेंगे वन। देखो साइन एक्स प्लस डी एक्स, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को बाद में इंटू डी एक्स के जगह पर डी वाई, और नीचे में रूट अंडर वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के जगह पर वाई देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब डी वाई अपॉन रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स वाई, क्या होता है साइन इनवर्स वाई, वन और माइनस वन, ठीक है ना। रूट टू तो ठीक है, यहाँ देखो साइन इनवर्स वन भी ठीक है, माइनस साइन इनवर्स माइनस वन। अब देखो रूट टू अपने जगह ठीक है, ये रहा आपका साइन इनवर्स वन, मैं देखो साइन इनवर्स और एंगल माइनस में है, माइनस क्या होता है उसका बाहर आ जाता है, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये रहेगा आपका कितना साइन इनवर्स वन, तो साइन इनवर्स वन इंटू साइन इनवर्स सॉरी प्लस साइन इनवर्स वन, तो ये कितना हो जाएगा टू साइन इनवर्स वन, टू को पहले लिख लो तो टू रूट टू, और साइन इनवर्स इधर हो जाएगा कितना वन, वन के जगह पर क्या देंगे साइन पाई बाई टू, क्यों देंगे साइन पाई बाई टू, क्योंकि साइन पाई बाई टू का वैल्यू वन होता है। अब देखो दोनों फंक्शन सेम है तो क्या बचेगा एंगल, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना टू रूट टू इन टू कितना पाई बाई टू, कट गया इधर, फाइनल आंसर रूट टू इन टू पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा रूट टू इन टू पाई, क्लियर है। स्क्रीन शॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। 47 नंबर क्वेश्चन है, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल क्यूब, इंटीग्रेशन यहाँ देखो पाई बट्टा 4, ये रहा आपका पाई बट्टा 2। कॉस थीटा का इस वाले फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है याद करो, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, नहीं हो याद है तो यहाँ पर लिख लो फॉर्मूला कॉपी के ऊपर में, ठीक है, यहाँ होल क्यूब इधर डी थीटा, इंटीग्रेशन जीरो सॉरी पाई बट्टा फोर से पाई बट्टा टू सही है। यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, मतलब दोनों को प्लस कर दो इंटू फिर ए माइनस बी, तो कॉस थीटा बाय टू माइनस साइन थीटा बाय टू अपॉन इधर से हो जाएगा कॉस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू का होल क्यूब, इधर हो जाएगा डे थीटा, ये और ये कैंसिल आउट, इधर स्क्वायर बच जाएगा, बचेगा ना। देखो इंटीग्रेशन कितना पाई अपॉन फोर, यहाँ पाई बाय टू, यहाँ कितना हो जाएगा कॉस थीटा बाय टू माइनस साइन थीटा बाय टू अपॉन कितना कॉस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू का होल स्क्वायर इधर डी थीटा। चलो नीचे वाले को मानो, लेट हमने माना वाई बराबर कॉस थीटा बाई टू अब प्लस इधर से कितना साइन थीटा बाई टू, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट करो डी वाई अपॉन डी थीटा, कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा बाई टू, और एक थीटा एंगल का कोफिशियंट वन बाई टू है तो वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो, साइन का कितना हो जाएगा कॉस, तो कॉस थीटा बाई टू फिर वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। अब इधर हो जाएगा कितना डी वाई अपॉन कितना इधर से डी थीटा, वन बाई टू को कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू, इसको पहले इसको बाद में लिख लो, यहाँ कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू, तो सही है। यहाँ क्या लिखेंगे कॉस थीटा बाई टू को पहले और माइनस साइन थीटा बाई टू को बाद में, इस टू को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो टू डी वाई और कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू इधर आ जाएगा, डी थीटा को इधर लिख लो, लिख लिया देखो ऊपर वाले इनटू दिस वन आ जाएगा। अब क्या करो थीटा का वैल्यू पुट करो वाई का वैल्यू निकालो, लिखो यहाँ व्हेन जब थीटा इज इक्वल्स टू पाई बट्टा फोर, तो देन वाई बराबर कितना, वाई बराबर कितना है साइन थीटा बाई टू और इधर सॉरी
cos थीटा बाई टू और sin थीटा बाई टू, तो पाई बट्टा फोर पुट करेंगे यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा पाई बट्टा एट, और यहाँ भी पाई बट्टा एट, यहाँ हो जाएगा cos पाई बाई एट अब प्लस साइन पाई बाई एट। अब देखो पाई बाई एट का तो वैल्यू तो नहीं जानते हैं, इसीलिए इसको मान लो ए मान लिए हम लेफ्ट, ठीक है ना, क्योंकि इतना सारा लंबा लिमिट को लिखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, बड़का जगह छेक लेगा, उसको मान लो ए। फिर व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना पाई बाई टू, देखो तो देन वाई बराबर कितना है, देखो कॉस थीटा बाई टू है तो पाई बट्टा टू पुट करेंगे तो पाई बट्टा फोर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस पाई बट्टा फोर, फिर आगे साइन था है। क्या लिखा था है जी, कॉस पाई बट्टा फोर और प्लस कितना ये साइन पाई अपॉन फोर, तो वाई इक्वल टू कितना कॉस पाई बाई फोर वन बाई रूट टू साइन पाई बाई फोर वन बाई रूट टू, तो दोनों ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा टू अपॉन कितना रूट टू, ठीक है ना। अब आ जाओ वैल्यू सब पुट करते हैं, जहाँ क्या था पाई बाई फोर, तो पाई बाई फोर पर क्या मिला लिमिट ए माने, और पाई बाई टू पर क्या मिला टू बाई रूट टू, तो आप यहाँ टू बाई रूट टू लिख दीजिए। देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई टू इंटू डी थीटा, इसके जगह पर कितना टू डी वाई, तो यहाँ आप टू डी वाई लिख लो, नीचे में कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू, तो इसके जगह पर क्या माने वाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा कितना नीचे में वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इधर आ जाओ, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, टू को हमने इंटीग्रेशन लिखा यहाँ पर, टू को बाहर किया, यहाँ ए से लेकर के टू बाई रूट टू माई वाई का पावर माइनस टू इंटू डी वाई, वाई का पावर माइनस टू इंटू डी वाई, टू को बाहर रखेंगे, ठीक है ना। अब टू तो सही है, वाई का पावर कितना जितना भी उसमें एक ऐड कर दो और नया पावर को नया पावर से डिवाइड कर दो, टू बाई रूट टू इधर से ए, यहाँ वाई का पावर कितना होगा माइनस वन, यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन, टू अपॉन इधर से कितना रूट टू इधर से ए, माइनस टू यहाँ आ गया, वाई का पावर कितना माइनस वन, इधर से हो जाएगा टू और बट्टा में रूट टू इधर से ए। अब यहाँ देखो यहाँ माइनस टू तो सही है, यहाँ देखो पावर माइनस में है तो वन अपॉन वाई लिखेंगे, और लिमिट कितना है टू बाई रूट टू, तो यहाँ टू बाई रूट टू नीचे में लोअर लिमिट। अब यहाँ देखो माइनस टू तो सही है, वन बाई कितना हो जाएगा पहले अपर लिमिट, तो टू बाई रूट टू और माइनस कितना वन बाई ए, बट्टा को पलट देंगे ऊपर चला जाएगा तो माइनस टू अपॉन कितना रूट टू बाई टू और माइनस वन बाई ए, ठीक है। अभी देखो ई टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस इधर से हो जाएगा टू रूट टू अपॉन टू और माइनस माइनस इधर मिलके प्लस टू अपॉन कितना ए। अब ए की जगह क्या लिखोगे, एक स्टेप और लिखो, चलो यहाँ ए ये टू टू कट गया, तो इधर से क्या प्लस वाले को पहले लिखो तो टू बाई ए और माइनस इधर से कितना हो जाएगा रूट टू हो जाएगा। अब चलो इस वाले को लास्ट स्टेप यहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ टू अपॉन कितना ए है, तो ए के जगह पर क्या लिखेंगे कॉस पाई बाई एट, कितना हो जाएगा कॉस पाई अपॉन एट और प्लस कितना इधर से साइन पाई अपॉन एट हो जाएगा, और माइनस कितना इधर से रूट टू, तो फाइनल आंसर आपके पास यही हो जाएगा। एक मिनट, कितना आंसर हो जाएगा टू बाई कॉस पाई बाई एट प्लस साइन पाई बाई एट माइनस रूट टू, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 48 नंबर क्वेश्चन है, जीरो से देखो ध्यान से पाई बाई टू इसका पावर वन बाई थ्री, तो बच्चा लोग को यहाँ पर डर हो जाता है, डरना नहीं है, वैसे तो मिस गया एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, एक्स क्यूब को अगर मान ले डिफरेंशिएट करके थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एकदम क्लियर है। तो लेट वाई बराबर हमने माना इधर एक्स क्यूब, डिफरेंशिएट डी वाई बट्टा डी एक्स, इसका थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी वाई यहाँ सही है, थ्री को नीचे ले आओ इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब चलो ये सब वैल्यू किसका, x का है, x का वैल्यू पुट करोगे तो y का वैल्यू निकलेगा, तो व्हेन x बराबर जीरो तो देन y बराबर कितना जीरो का पावर क्यूब, तो ये क्या मिलेगा जीरो मिलेगा। फिर से चलो व्हेन x बराबर कितना पाई अपॉन थ्री इसका पावर वन बाई थ्री है, ठीक है ना, तो देखो देन तब y बराबर कितना x क्यूब है, x के जगह पर ये रखो पाई अपॉन थ्री इसका पावर वन बाई थ्री, पूरे होल का पावर कितना है यहाँ क्यूब है, इसको लिख लो पाई बाई थ्री नहीं सॉरी पाई बाई टू है, यहाँ पाई बाई टू है, ये थ्री थ्री कैंसिल आउट, तो वाई बराबर कितना निकला इधर पाई बाई टू निकला, ठीक है ना। अब चलो पुट करो, जहाँ जीरो था वहाँ जीरो मिला,
पाई बाई टू का पावर वन बाई थ्री के जगह पर क्या मिला, पाई बाई टू मिला। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के जगह पर, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसके जगह पर डी वाई बटा थ्री लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा कितना साइन एक्स क्यूब के जगह पर वाई, आई हो जाएगा डी वाई अपॉन थ्री, वन बाई थ्री बाहर कर देंगे। तो इंटीग्रेशन में यहाँ क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन में वन बाई थ्री बाहर कर देंगे, यहाँ जीरो, यहाँ पाई बाई टू, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखो ना वन बाई थ्री का नीचे बाहर कर दिए वाई है, इसका कितना हो जाएगा साइन का कितना इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस वाई। अब ये रहा आपका पाई बाई टू, इधर रहा कितना जीरो, माइनस वन बाई थ्री सही है, कॉस वाई की जगह पर अपर लिमिट माइनस, फिर कॉस वाई की जगह पर लोअर लिमिट, कॉस पाई बाई टू जीरो, कॉस जीरो वन, तो माइनस माइनस इधर प्लस, फाइनल आंसर कितना वन बाई थ्री हो जाएगा। ठीक है ना, स्क्रीन शॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 49 नंबर क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 2 dx upon x 1 plus log x का होल स्क्वायर, तो किसको मानोगे, रूट पे अंदर जितना सॉरी ब्रैकेट का जितना सबको मान लो, 1 plus इधर से हो जाएगा log x, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा d 1 का 0 log x का 1 by x। ठीक है ना, अब यहाँ dy बराबर इधर कितना है dx को मल्टीप्लाई करोगे तो dx और upon x। ठीक है, अब चलो ये सब किसका वैल्यू, x का वैल्यू, y का वैल्यू निकालेंगे हम, व्हेन x बराबर कितना 1, तो देन y बराबर कितना 1 प्लस log x है तो log 1, और log 1 का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। फिर से चलो, when x बराबर कितना 2, देन y बराबर 1 प्लस कितना है जैसे log 2, log 2 का वैल्यू मत पुट करो, इसको इतना ही रहने दो, आ जाओ अब सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन जहाँ 1 था वहाँ 1 पर क्या मिला, 1 मिला, और 2 पर क्या मिला, 1 प्लस लॉग 2, तो यहाँ आप लिखिए 1 प्लस लॉग 2 dx और बाई x, देखो dx और अपॉन x के जगह पर dy, तो dy 1 प्लस लॉग x की जगह हमने माना y, इसका स्क्वायर कर दो 1, और 1 प्लस यहाँ पर से लॉग 2 है, इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस 2 हो जाएगा, देखो ना अब y का पावर माइनस 2 है तो एक ऐड कर दो, नया पावर से डिवाइड दे दो, तो 1 प्लस इधर से कितना log 2 इधर 1, ये कितना हो जाएगा y का पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, 1 प्लस इधर से हो जाएगा log 2 इधर 1। अब यहाँ कितना हो जाएगा, देखो माइनस को बाहर कर दो, इधर हो जाएगा 1 बट्टा y, 1 अपॉन 1 प्लस log 2 इधर 1 हो जाएगा ना, देखो ना नहीं होगा, अरे माइनस में है तो बट्टा में ले आएंगे। अब जहाँ y है वहाँ पर पहले अपर लिमिट दूँ, यहाँ माइनस तो 1 अपॉन कितना 1 प्लस लॉग 2 अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट तो माइनस इधर से कितना 1 बट्टा 1। ठीक है ना, अब इधर से क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1 प्लस कितना इधर से लॉग 2, और माइनस माइनस इधर प्लस 1 बाई 1 1, तो 1 को पहले लिख लो, अब इस वाले टर्म को बाद में लिख लो, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। बच्चों 50 नंबर क्वेश्चन है, पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 2 तक है। ठीक है ना, मच्छर वगा कर रहा है बीच में, अरे पढ़े क्या, जाओ छुट्टी हो गया। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, बोलो इसको मानेंगे, नहीं समझ में आ रहा क्या बोले हमको, नहीं समझ में आ रहा यहाँ पर किसको मानेंगे, मतलब आप तैयार नहीं है एग्जाम के लिए, हम क्या बोले, सपना में क्वेश्चन आना चाहिए बेटा, क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, मतलब आप ना तैयार है और ना ही आपका तैयारी है, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बनाने से पहले इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन का पूरा फॉर्मूला एकदम गर्दा गर्दा याद होना चाहिए, नहीं तो तुमको गर्दा उड़ा देगा। ठीक है ना, आ जाओ देखो कॉसेक एक्स को मानेंगे, डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ठीक है ना, आ जाओ मानो, लेट हमने माना वाई बराबर कितना कॉसेक एक्स, क्या माना हमने cosec x, डिफरेंशिएट करोगे dy अपॉन dx, cosec का क्या होगा माइनस cosec x sin 2 cot x होता है, माइनस को इधर ले आओ तो माइनस dy, इधर से हो जाएगा कितना cosec x sin 2 cot x, इस वाले dx को इधर ले आए, ले आए। अब चलो when x बराबर पाई बट्टा 6, तो देन y बराबर कितना cosec पाई बट्टा 6, कॉसेक पाई बट्टा 6, तो कॉसेक 30 डिग्री,
और कोसेक 30 कितना होता है, 2 होता है। नहीं अगर गलत हो रहा तो साइन 30 याद करना, साइन 30 कितना 1/2, उलट दो कोसेक हो जाएगा। फिर चलो व्हेन एक्स का वैल्यू पाई बट्टा 2, तो देन y बराबर इधर से हो जाएगा cosec pi बटा 2, तो cosec 90, sin 90 कितना 1, 1 का उल्टा 1 नहीं होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब आ जाओ वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पाई बाय 6 था वहाँ हमने 2 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 2, पाई बाय 6 की जगह पर 2 और पाई बाय 2 की जगह हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। अब दिस वन 9 टू दिस वन, इसके जगह पर माइनस डी वाई अपॉन 1 प्लस, देखो यहां पर क्या पुट करेंगे y स्क्वायर, माइनस को बाहर निकालो 2 1, इधर जाएगा dy अपॉन 1 प्लस कितना y स्क्वायर, 1 प्लस dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर क्या इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स y कितना होगा tan इनवर्स y। अब यहां 1 यहां 2, अब पहले अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टेन इनवर्स कितना 2, इधर हो जाएगा माइनस कितना टेन इनवर्स 1, देखो प्लस वाला माइनस वन, चाहो तो आप यहाँ पर पाई बटा 4 करके आंसर लिख सकते हो, या नहीं तो टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y पर ले जाओ इसको, तो कितना हो जाएगा टेन इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y, तो यहाँ कितना हो जाएगा टेन इनवर्स 1 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2, तो फाइनल हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स कितना 1/3, देखो फाइनल आंसर यही हो जाएगा। आपका एक्सरसाइज 16B समाप्त हो गया है, ठीक है ना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है ना। उम्मीद कर रहे हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।